इसको पहले 2021 में डब्लू अंसारी बोल के एक आतंकवादी था, भारतीय जनता पार्टी में दिलीप घोष ने ज्वाइन कराया था, सिमी के एक्टिविटीज थे, उसके ऊपर काफी केस भी थे। नंबर दो, कल 10 बजे तक जब देखे बंगाल का वोट जो है इनको खिलाफ जा रहे हैं, तब यहाँ पर क्या तमाम 88 सीट में भारतीय जनता पार्टी पीछे जा रहा है, तब इसको का मीडिया डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ ये साजिश रच गया है, साजिश है और यह प्लान कर गया है और कुछ नहीं है। हम आपको बोलता जब जांच होगा, निष्पक्ष जांच होगा, ये जो अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अरे जांच के लायक कहां है, एक एक करके एक एक करके हमें बदनाम कर रहे, बदनाम, अरे भाई बदनाम वो होते हैं जिनका नाम होता है, उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, एक एक करके बोलिए। प्रियंका जी, प्रियंका जी मैं आऊंगा आपके पास, अभी संजय सरकार साहब को सवालों से बचने का मौका क्यों दे रही हैं आप? संजय सरकार साहब मुझे ये बताइए, ये हथियार प्लांट कर दिए गए, आपके खिलाफ साजिश हो रही है, शाहजहां शेख को बचाना किसकी साजिश थी? जब उसको पकड़ने के लिए ईडी की टीम की गई, उस पर हमला करना, वो किसकी साजिश थी? ये पूरा मामला तो वहीं से शुरू हुआ है ना। शेख को किसने पकड़ा है? बंगाल पुलिस ने पकड़ा, बंगाल पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बाद में गिना जाता है, नंबर दो में वार्ड में गिना जाता है। सवाल ये है कि कब पकड़ा, सवाल ये है कि बचाया क्यों गया, चार्ज करके देख लीजिए बंगाल पुलिस। उसके लिए क्या कहा था, हॉट बंगाल इसके लिए खड़े होकर कहा था, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। आपको यहाँ अपने बंगाल में आप शेष खत्म, भारतीय जनता पार्टी खत्म, और तीनों से हार चुका है। कल बॉडी बचे यही हम चाहते हैं, बॉडी छोड़िए, पार्टियां आती है जाती है, किसी पश्चिम बंगाल बचे रहना चाहिए, जिसको साथ में नहीं है। मंगलवार टू मंगलवार 8 दिन होता है, उस दिन भी नहीं रहता है, कोई इंतकाल कर कोई मर जाता है तो उस दिन भी जगह नहीं। हनुमान जयंती जो महावीर जयंती है उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, 8 घाट न 360 कहीं नहीं है। तो इसको हारना तय है और इसको सिर्फ इसको डाइवर्ट करने के लिए, मीडिया डाइवर्ट करने के लिए एक इशू अच्छा चाहिए। आप वही बात बार बार कह रहे हैं प्रियंका, प्रियंका जी, लेकिन आप कह रही हैं कि पार्टियां आती हैं जाती हैं, राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो भी आरडीएक्स का नाम ले लिया, आरडीएक्स का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है रिकवरी का। दूसरी बात वो कह रहे हैं टीएमसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दो, तो ये सियासत नहीं है क्या? अरे भाई संजय सरकार साहब आपसे सवाल नहीं था, बड़े प्रियंका जी से था जी। बड़े बड़े आतंकवादी जो है वो यहाँ से पकड़े जा रहे हैं, एनआईए की जब जांच होती है तो पता चलता है कि लोग यहीं पे आकर के छुप जाते हैं पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री का सोचना क्या है कि राम भक्तों को वो कहती है दंगाई, और इस तरह के लोगों को वो कहती है कि ये नेक बंदे हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े होकर ममता बनर्जी ने शाहजहां के लिए कहा था कि उसे फसाया जा रहा है, अच्छा लड़का है। देखिए कितना अच्छा लड़का है, पूरे गांव में आतंक फैला करके रखा था, क्योंकि ममता सरकार पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। अरे किस मुंह से सुनेंगे, बेशरम लोग हैं ये, किस मुंह से सुनेंगे? औरतों की इज्जत लुटती गई और ये चिल्ला रहे हैं, देखिए ना इनकी हिम्मत है तो कहिए संजय खाली संदेश खाली जाने। अरे संजय सरकार जाइए ना संदेश खाली, आपको पता है ना ममता बनर्जी ना अभिषेक बनर्जी डर के मारे कोई संदेश खाली नहीं जा पाया। प्रियंका जी आपसे ये भी सवाल पूछा जा रहा है और ये पूरा विपक्ष पूछ रहा है कि सेंट्रल एजेंसीज उन्हीं राज्यों में ज्यादा एक्टिव है जहाँ पर विपक्ष की सरकार है, इसीलिए यहाँ पर भी इनको एक मौका मिल गया बोलने का, बावजूद इसके कि इतनी तस्वीरें सामने आ रही है ये कहने का कि सुनियोजित है, सब कुछ प्री प्लांड है। अरे मैं यही तो पूछना चाहती हूँ, आज अभी आपके सामने टीवी ने दिखाया कि मट्टी खोद करके ये सारी चीजें बरामद हुई, वो घर किसका था? टीएमसी के नेता का। अगर टीएमसी के नेता के घर में मट्टी खोद करके चीजें गाड़ दी जाती है और उसको नहीं पता तो इसका जवाब तो उससे मांगना चाहिए। देखिए ये लोग इसी तरह की बातें करेंगे, मुझे एक बात बताइए ना, आज जो जांच हो रही है उसमें औरतें क्या कह रही है, 13 रातों तक टीएमसी के नेताओं ने उसे पार्टी ऑफिस में रख करके लगातार रेप किया, गैंग रेप किया, उसी की सुनवाई है सोमवार को। जवाब दे पाएंगे ये कहते हैं वो चोर है। अरे मैं कहती हूँ अगर किसी का बेटा चोर है आप अपने बेटे को चोर बनाएंगे? जवाब दीजिए ना, अगर किसी का बेटा चोर है तो आप अपने बेटे को चोर बनाएंगे? ठीक है, दोनों तरफ से टीएमसी और बीजेपी दोनों तरफ से आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं विनोद सिंह जी, लेकिन ये तस्वीरें देखकर, ये खबर देखकर, सीबीआई ने जो रिकवरी की है वो देखकर, एनएसजी की इन्वॉल्वमेंट को देखकर, आपको कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा है? आपको सब चंगा नजर आ रहा है?
प्रतिमा जी, ऑन अ सीरियस नोट, बड़ी जिम्मेदारी से अगर कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहता है तो जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से अपना काम करती हैं। हमारे यहाँ एक ड्यू प्रोसेस है, कौन आरोपी है नहीं है कानून के आलोक में सबूतों के आधार पर तय हो जाता है। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा संदिग्ध भूमिका जो सस्पिशियस स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की है। पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रमुख चेहरे शुभेंदु अधिकारी जिस गैर जिम्मेदारी से, जिस मनगढ़ंत और राजनीतिक हल्के राजनीतिक फायदे के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था, पूरे बंगाल की फोर्सेस को, वहां की स्थानीय जनता के, जो जनता ने वोट दिया उसकी चुनी हुई सरकार को, एक सिरे में वेग में अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए गुस्से में ये लोग कुछ भी बोल जाते हैं। आपके कार्यक्रम में प्रियंका जी इसी तरीके से बोल रही हैं, ये अपना डरावना चेहरा बड़ी आक्रामक होकर दिखा रही है, डराना चाहते हैं, डराना बंद करिए। हमारे यहाँ कानून की एक व्यवस्था है, आप इतनी हिंसा क्यों करते हैं? आपके स्वभाव में हिंसा, आपके बात में हिंसा, आप किसी को आरोपी सिद्ध कर देंगे, ये क्या तमाशा बना के रखा है? शुभेंदु, मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर आप हिंसा कर रहे हैं, आपके बीच में नहीं बोला। प्रियंका जी पहले सुन लीजिए, प्रियंका जी प्लीज सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है? सवाल है, अगर जांच एजेंसियां हमारी निष्पक्ष जांच कर रही हैं, औपचारिक बयान कुछ जिम्मेदारी से देंगी वो देंगी, शुभेंदु अधिकारी किस हैसियत से, प्रियंका जी किस हैसियत से औपचारिक बयान दे सकती है और किसी को आरोपी सिद्ध कर देती है, क्योंकि इनके सस्ते हल्के राजनीतिक फायदे के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, ये इनका चारित्र चेहरा है, ये समझना पड़ेगा। बंगाल की जनता या देश की जनता समझदार है, उसको बेवकूफ समझना बंद कर देंगे। और इनके इस चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना होगा क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही था। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो टीएमसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है उसको कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी की मंशा पर कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठाती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।